वेलकम टू आवर चैनल एशियन जैन व्लॉग्स। तो हमारी ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग निकल चुके हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ। प्रदेशों में प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो ये वीकेंड जो आने वाला है, अभी तो वीकडेज है, फिलहाल वीकडेज में हम लोग जा रहे हैं, तो ट्रैफिक का भी होप्स हो कि कम मिलेगा और ये वीकेंड फिलहाल के लिए अच्छा जाएगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और बहुत ही ग्रीन जगह पर जा रहे हैं, बहुत ही नेचुरल जगह पर जा रहे हैं। हाँ, हिल स्टेशन है बेसिकली, और वहाँ पर हमारे फैमिली फंक्शन भी है, तो वो भी अटेंड करना है। तो लेट्स सी, बहुत बढ़िया जगह, बहुत मज़ा आएगा। तो हम लोग पहुँच गए हैं बनूर में, जो इस हिमाचल प्रदेश वाले रूट में पड़ता है, और ये है जशन पंजाबी ढाबा। बहुत ही अच्छा ढाबा है, खाने का टेस्ट बहुत बढ़िया है। सबसे खास बात है यहाँ पे देसी मक्खन मिलता है, शुद्ध देसी मक्खन, ऐसा कुछ मिलावटी नहीं होता है, एकदम शुद्ध। ये आशु जी भी आ गई हैं। कैसा है खाना? अच्छा था, बहुत टाइम बाद मक्खन मैं जाना, मक्खन बहुत अच्छा था, मतलब नॉर्मली मुझे बटर पसंद नहीं है, बट ये शुद्ध मक्खन था जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लग रहा था। मक्खन पराठे, दही, खाना सब बढ़िया। कभी आप भाखड़ा नांगल डैम, और ये वंदे भारत ट्रेन, शायद वंदे भारत ट्रेन जा रही है, शायद वही है सर। तो फिलहाल ये तो डैम है, फिलहाल बहुत तेज है, यहाँ सर के वीडियो बना रहा हूँ, बाकी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, आगे अंदर है। तो हम लोग हिमाचल आ चुके हैं, मतलब अपनी डेस्टिनेशन से बस 15 मिनट दूर हैं, और यहाँ का व्यू देखिए आप, कितना शानदार व्यू है। अब जो हमारी एग्जैक्ट लोकेशन है वहाँ का व्यू तो और भी अच्छा है, और वो वहाँ पर उस गाड़ी में श्यांश है, उन्नू हॉर्न बजा रहा है वहाँ से। अभी थोड़ा पहले यहाँ मंकी देख रहा था, मंकी थे यहाँ पे, तो मंकी देख रहा था और खेलने में। कार्तिक कहाँ है हम लोग? डंगार, हिमाचल। हिमाचल में आओ, घर कितनी दूर है अब यहाँ से? अभी यहाँ से गया 5 या 10 किलोमीटर। 5 किलोमीटर? 5 पता नहीं, ऊपर से। देखिए कितना अच्छा मौसम है यहाँ पर, मैं यहाँ पर बैठा हूँ और सब लोग इधर वेट कर रहे हैं, शायद कोई गाड़ी पास होने वाली है, तो रास्ता छोटा सा है तो पास देना पड़ेगा हमें, इधर से आधी गाड़ी।
है तो बाइक है। क्या चीज़ ऐसा लग रहा है? तो हम लोग अपने माहौल में आ चुके हैं, तो आप देख ही रहे हम बहुत संस्कारी बन गए जो कि मैं हूँ। सिर्फ घूंघट डालना पड़ा है बिकॉज ऑफ ज्वेल्स, मतलब घूंघट डालना हमारे से हमारी संस्कृति है तो अच्छी बात है, अच्छी लग रही है ऐसी घूंघट के साथ। इसके साथ हमारा एक अलग ही रूप होता है, हम और भी ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे शांति है आप अनुभव करेंगे, आपको सुनाई दे रहा होगा सन्नाटा, जो क्रिकेट बोलता है ना वो झिंगू सा, वो सिर्फ यहीं पे सुनाई देगा। तो हम लोग पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पर, सुबह के 6:30 बजे निकले थे हम लोग और अभी हो रहा है 5:23, और वेट करना बहुत वर्थ है क्योंकि जो शांति यहाँ पे हम लोग अभी महसूस कर रहे हैं, मुँह धोया मैंने थोड़ा सा, इतना शांति फील हो रही है यहाँ पे, आप लोग को भी सुनाई देगा, ध्यान से सुनोगे, एक ये सब नेचुरल साउंड्स है। क्या है जी, कैसा लग रहा है? और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाता हूँ, आइए आपको दिखाते हैं, ये देखिए कितनी अच्छी ग्रीनरी है, ऐसा लग रहा है वॉल पेपर लगाए मेरे पीछे। मुझे यहाँ पर माइक की ज़रूरत है, हाँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे। हाँ, और यहाँ पे देखिए आम का पेड़ है, इस पे आम लगे हुए हैं, ये लगे ढेर सारे आम यहाँ पे भी है और एक वहाँ पे भी है, आपको दिखाते हैं, तो अमरूद का भी है। अमरूद है और ये इधर आम का भी है, ये आम लगा है, वो खाए है आम, हाँ नीचे खाए, ये आम है, ओवरऑल बढ़िया एनवायरनमेंट है। और एक अनोखी चीज़ देखिए यहाँ पर, ये देखिए नींबू, यहाँ नींबू का साइज बहुत बड़ा होता है, सब में नींबू ही नींबू लगे हुए हैं, ढेर सारे नींबू, इतना बड़ा है कि हमें इसको संभालना पड़ रहा है, नीचे गिरा भी पड़ा हुआ है। यहाँ पे पहले भैंस बंद करते हैं। अब नहीं बनती? नहीं, हे यार देख नींबू, देखो लेमन, शांस लेमन काटे हैं, ये कौन काटे हैं, बहुत सारे आंट हैं, नींबू, अरे अच्छा नींबू है, देखो ये करता क्या, ये भी तो पड़ा है, ये भी तो पड़ा है, ये लो कच्चा है, ये लो पक्का एकदम, ये नींबू लेमन कच्चा है, वो कच्चा है। ये बेसिकली ये वाला घर यहाँ पर नया बनाया, अभी हम लोग लास्ट टाइम जब आए थे कुछ साल पहले तब ये नहीं था, और इसका कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट, और ये इसकी छत है यहाँ से यहाँ तक, और ये पहले ये जो पुराना घर बना हुआ था ये इसकी छत है। आप इधर आएंगे, छत पुरानी, थोड़ा ध्यान से चलो, यहाँ पर है व्यू बहुत अच्छा है यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं है, है? नहीं तो बोल रहा पीछे से। तो आयशी भी आ चुकी है हमारे साथ छत पे, बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छी हवा है, तो बहुत ही सुंदर है, अच्छा फील हो रहा है, और ये हमारे दोनों बहुत ही अच्छा मौसम है। तो आज तो डे वन है हिमाचल का, और बाकी के डेज के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब 3-4 दिन तक यहीं पर हैं और यहीं के ब्लॉग करेंगे, तो नई नई चीज़ें दिखाएंगे यहाँ की, तब बने रहिए, बाय बाय।